हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड पे हम लेके आए हैं विथआउट ईस्ट ब्रेड, जो बनाना थोड़ा ट्रिकी है। अगर आप हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो आप इजीली बना पाओगे। माय सेल्फ हीना चौधरी, फैकल्टी ऑफ स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट। लेट्स स्टार्ट विद अवर रेसिपी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा कर्ड, जो है 2 टेबलस्पून। उसके साथ जाएगी जो ग्रेन्यूल शुगर जो हम लेने वाले हैं, 1.5 टेबलस्पून जितनी हमने ली है। और उसके साथ हम लेने वाले हैं मिल्क। हमारा 2 कप मिल्क है, पर हम 1.5 कप जितना लेंगे और 1/2 कप जितना छोड़ देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। जब तक आपके ग्रेन्यूल शुगर है वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती, तब तक आपको उसे मिक्स करना है। शुगर हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, उसके बाद हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। उसके लिए हम सीव करके लेंगे। मैदा लिया है हमने 280 ग्राम, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1 टीस्पून सॉल्ट। जब भी ये ड्राई मिक्स आप मिक्स करो, तब आपको ध्यान रखना है ओवर बीट नहीं होना चाहिए, बहुत लाइट हैंड से आप कंप्लीट करना। तो आपका अगर ओवर बीट हो जाएगा तो आपकी ब्रेड अच्छे से नहीं बन पाएगी, तो ये बात आपको नोटिस करनी है और उसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। जो मिल्क हमने 2 कप रखा है, तो वो हो सकता है समटाइम्स प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द मैदा की क्वालिटी। यहाँ पे अभी कुछ लम्स दिख रहे हैं, उसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक है, हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है मैदा, दूध और शक्कर जो डाला हमने। और अब हम डालेंगे ऑयल। ऑयल डाल के भी आपको 1-2 मिनट मिक्स करना है, जब तक अच्छे से आपके डो के साथ मिक्स नहीं हो जाता। हमने ब्रेड लोफ के लिए हमने ये टिन ले लिया है, वो है 10x3। उसे अभी हम ग्रीस कर देते हैं। उस ग्रीस करने के लिए हमने डालडा घी और ऑयल का मिक्स किया है, उससे आपका स्टिक अच्छे से होगा और अच्छे से रिमूव हो पाएगा। तो आप ये वाला मिक्सिंग करोगे तो अच्छा रहेगा, पर बटर से नहीं करना। पॉसिबल है तो ये ऑयल ले सकते हो या फिर घी ले लो, पर बटर से नहीं करना। बटर में मॉइस्चर होने की वजह से आपकी ब्रेड मॉइस्ट हो जाएगी। इसको मैंने ग्रीस कर दिया, अभी मैं इसको यहाँ पे छोड़ रही हूँ। अभी हम इनो डाल रहे हैं। इनो डालने के बाद अपना वो वर्क स्टार्ट कर देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इनो डालने के बाद आपको आपका बैटर होल्ड नहीं करना है, डायरेक्ट आपकी जो बेकिंग ट्रे है उसको लाइन करके रखना है और आपको डायरेक्टली डाल देना है। आपकी कंसिस्टेंसी है ना एकदम केक जितनी रनी होगी। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बबल्स वगैरह है उसको हम थोड़ा सा टैप करके रिमूव कर देंगे। अभी हम इसे बेकिंग में जाने देते हैं 180 डिग्री फॉर 20-25 मिनट्स। अभी ये ब्रेड को बेक होने में 180 डिग्री पे 25 मिनट्स उसने लिया है। उसके बाद अभी थोड़ा सा हार्ड लगेगा, पर जैसे ही ब्रेड आपकी बाहर आ जाए तो उसके ऊपर आपको कर देना है ऑयल को ग्रीस। और यहाँ पे बटर नहीं लगाना, पॉसिबल है तब तक ऑयल ही लगाना है आपको। और इसे 1/2 आवर के लिए ऐसे ही छोड़ना है, जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता। और इसको रखना है आपको कूलिंग रैक पे। इसको जैसे मैंने बताया कि आपको कूलिंग रैक पे रखना है। कूलिंग रैक पे रखने से ये फ़ायदा होता है, जब भी आप कूलिंग रैक पे रखते हो तो नीचे जो ब्रेड है ना उसको मॉइस्चर लग जाता है, तो वो आपका मॉइस्ट नहीं होगा। इसलिए आपको हमेशा कूलिंग रैक पे रखना है। नहीं हो तो आप जाली होती है ना घर पे, अपन चाड़ना चाड़ते हैं ना, उसके ऊपर भी आप रख सकते हो। यहाँ पर हमारा जैन सैंडविच ब्रेड लोफ रेडी हो गया है विथआउट ईस्ट। जो मैंने ऑयल डाला था पहले, आपने देखा था हार्ड है, अभी 5-10 मिनट्स हो गई है तो काफ़ी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है। तो 15 मिनट्स के अंदर ही आप उसे डीमोल्ड कर देना। अभी आप इसे देखिए कि बहुत अच्छे से कलर आ गई है और एकदम सॉफ्ट ब्रेड है। अभी इसे हम 1-1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके ऊपर कोई भी मसलिंग क्लोथ आपको उसको कवर करना है और रख देना है। उसके पहले आपको कट नहीं करना है, नहीं तो आपके स्लाइसेस अच्छे से नहीं होंगे। ठीक है, हमारा ब्रेड जो है उसको हमने कूल कर दिया है कूलिंग रैक पे रख के। 1.5 से 2 घंटे हो गए, अब इसका टाइम है कटिंग का। कटिंग करने के लिए जो हम नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं उसे बोलते हैं सेरेटेड नाइफ। ये सेरेटेड नाइफ़ से आप कटिंग करते हो, इसको ब्रेड कटिंग नाइफ भी बोलते हैं। अगर इससे कटिंग करते हो तो ये जिगजैग होने की वजह से जब भी आप ब्रेड को कट करते हो, जो क्रम्बल्स आते हैं वो आपके लेस क्रम्बल्स आएंगे। तो आप ध्यान रखना कि जब भी ब्रेड को कट करना है तो आपको लेना होगा सेरेटेड नाइफ। और सेरेटेड नाइफ के साथ कट करते हो तो आप प्रेस करके कर रहे हो वैसे नहीं करना है, आरी चलाते हैं वैसे आपको हल्के हाथ से यूँ हैंड्स को मूव करते करते करना है। हमारा इसका टेक्स्चर ऐसा आया है ब्रेड का, इस तरह का आएगा। ये काफ़ी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है।
आप इसी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो आपकी ब्रेड अच्छी बनेगी। जो हमने इनो, जो इसके अंदर इनो यूज़ किया है, वो बहुत सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, उसे यूज़ करना है आपको और वो लास्ट में डालना है। ऑयल भी हमने लास्ट में डाला था, वैसे ही आप करना, ऑयल को भी लास्ट में डालना, तो आपका वर्क अच्छे से हो पाएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर अपकमिंग रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय। क्या आप जानते हो कि स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन भी है जो 250 प्लस कंट्रीज में वैलिड है? नहीं सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी बहुत इजीली हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप आप एनरोल कर सकते हो, एंड 15,000 के वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है हमारी एप्लीकेशन पे। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड लर्न फ्रॉम गुजरात नंबर 1 कुकिंग इंस्टीट्यूट।